कश्मीरी राजमा, उसके लिए मैंने ओवरनाइट इसको पानी में डाल के छोड़ दिया था। मैंने ये डेढ़ बाउल राजमा लिया है, चार टमाटो कट कर दिए हैं बड़े बड़े पीसेस क्योंकि इसकी प्यूरी बनानी है, और ये मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं उनको कट करके रख दिया है, चार हरी मिर्च, एक लाल मिर्च, छह सात काजू, एक पीस छोटा सा अदरक, पांच छह कली लहसुन और पांच से छह काली मिर्च, दो लौंग। उसके अलावा मैं ड्राई मसाले क्या क्या यूज करेंगे हम, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला और गार्निशिंग के लिए धनिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी राजमा इस कुकर में डाल देंगे, इसी पानी को यूज कर लें क्योंकि इसमें इसके जितने भी प्रोटीन मिनरल्स होंगे वो वेस्ट नहीं होंगे। आपको चार से पांच सीटियां इसकी लगवानी है, बॉयल करो, इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके अब हम इसमें नमक और हल्दी एज पर योर टेस्ट इसको आप डाल दीजिएगा। नमक डाल दिया मैंने, इसमें हल्दी डाल दी है और इसी में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने दो लौंग ली है इसको इसी में डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। और इसको बंद करके इसकी तीन से चार सीटियां लगवाएंगे। अब हम इसमें इसे गैस पर रख देंगे और तीन से चार सीटियां आने देंगे। अब इसे हम ग्रेवी बनाने के लिए इसका प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। इसको प्याज अलग से पेस्ट बना रहे, टमाटो का अलग, क्योंकि अगर आप इकट्ठे बनाएंगे ना तो उसमें स्मेल हो जाती है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमने प्याज का पेस्ट बना लिया, अब हम टमाटो की प्यूरी बनाएंगे। उसके लिए हमें टमाटो जो मैंने बड़े साइज में कट करी थी, ये चार से पांच मिर्ची वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, सात आठ काजू डाल के इसको बंद करके इसकी प्यूरी बनानी है। ये हमारी प्यूरी बन के रेडी हो गई है। काली मिर्च है और ये अदरक है और लहसुन है, ये कुंडी में इसका पेस्ट बनाना है क्योंकि आप बिल्कुल पतला बना देंगे तो उसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है कुंडी में, तो आप इसको इससे थोड़ा थोड़ा से ये फ्रेंड्स जो हमारे कश्मीरी राजमा बॉयल हो गए उसे बिल्कुल नहीं गलाना है आपको, इतना रखना है कच्चा कि वो आराम से प्रेस हो जाए। उसके बाद आप जब ग्रेवी बनाएंगे उसके मसाले की तब एक बार सीटी और लगवानी है, एक सीटी और लगवाने से उससे क्या होगा आपका जो मसाला होगा वो सारा राजमा में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब हमें राजमा की ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए हम फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे, इसको एक बार फैला लेंगे पूरे फ्राई पैन में। इसमें मैं एक बड़ी इलायची डाल के रख दूंगी ताकि इसका फ्लेवर इसमें चला जाए, और इसको सिर्फ एक मिनट के लिए रख दें, उसके बाद जब फ्लेवर चला जाए इसको निकाल दीजिएगा क्योंकि फिर ज्यादा देर तक आप इसको रखेंगे प्यूरी में तो कड़वापन चला जाता है, सिर्फ हमें एक बार फ्लेवर देना है। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसको निकाल देंगे और अब हम इसमें पहले हम क्या डालेंगे, 1.5 चम्मच MDH की मैंने ले रखी है, कई कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज करते हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसको चलाएंगे, जीरे के साथ डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन का जो हमने कुंडे में पेस्ट पीसा था उसको, इसकी मिर्ची का छोट थोड़ा ज्यादा है तो मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है बहुत, यार बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ थोड़ी परेशानी होती है मिर्ची से लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट इसी से आता है। तब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने प्याज की प्यूरी बनाई थी पेस्ट उसको डालेंगे, इसका कलर बहुत अच्छा है। आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं, ज्यादा ओवर हीटिंग मत कर दीजिएगा क्योंकि अगर ये ज्यादा प्याज पक गए तो उसमें स्मेल हो जाएगी राजमा में, आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही चलाना है।
अब हम इसमें टमाटो की प्यूरी को ऐड कर देंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक चलाएंगे और लिड को कवर करके, ताकि सारा जो घी आप रिफाइंड कुछ भी यूज करेंगे उसको एब्जॉर्ब कर ले। बहुत अच्छी तरी बनती है, इससे ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी। इसको देखिए ऐसे मिक्स कर, पानी ऐड करें इसी जार में, ताकि सारा प्यूरी हम यूज कर पाए। इसको गोल गोल घुमाकर इसे डाल दीजिएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। कुछ गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ और कुछ बाद में डालूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा करेंगे क्योंकि पहले मैंने बॉईल करते टाइम भी डाला था इसमें। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख दी। जब इसमें बबल्स पूरी तरह आके ना प्योरी बनने लग जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है 5 से 6 मिनट में आपकी प्योरी पक चुकी है। देखिए हमारी ग्रेवी 5 से 6 से 8 मिनट हो चुके हैं, काफी लेस हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया बन गए हैं। अब आप इसको, आपको क्या करना है, इस ग्रेवी को जो हमारे राजमा वाला कुकर है उसमें इसको ऐड कर देना है। और इस कुकर की 2 सीटी लगवानी है, ताकि ये सारी ग्रेवी का टेस्ट है ये सारे राजमा एब्जॉर्ब कर लें और ये बहुत टेस्टी बनेंगे। कुछ हमें इसमें धनिया डालना है और कुछ गार्निशिंग के लिए रखना है। अब इसके हमें 1 से 2 सीटी को ही चाहे तो एक लगा, वरना मैं 2 सीटी लगवाऊंगी, इससे बहुत सारा जो मसाले की ग्रेवी का मसाला वो इसमें चढ़ जाएगा। ढक्कन को बंद करके इसको 2 सीटी के लिए, अब हमारे राजमा बिल्कुल बनके रेडी हो गए। आप इनका कलर देख के समझ जाएंगे कितने बेहतरीन बने होंगे। देखिए राजमा कितने बेहतरीन बने हैं, इसका कलर देख के मुझे तो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अब आप इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए और धनिया पत्ते को ऐड कर दीजिए।